नमस्कार, अत्यार सुधीना तमाम खास समाचारों साथे हूँ छू झरणा। समाचारों अमदावाद थी। राजमाधव स्कूल एक घटना सामे आवी रही है, जहां कोरोनाग्रस्त विस्तार ना शिक्षिका ने हाँकी काढ़वामां आव्या। नौकरी माथी काढ़ी मुकायानो शिक्षिकाए आक्षेप लगाव्यो छे अने आ अंगे शिक्षिका एक वीडियो वायरल करी पोतानी वेदना ठालवी छे। शिक्षिका कंटेनमेंट झोन ना रहेवासी छे। प्रिंसिपाले फोन करी तेओने नौकरी माथी काढ़ी मुक्या छे। आपने जणावी दीए के शाळाओ फी उघरावती होवाना मामला तो अवारनवार सामे आवे छे, परंतु आ तरफ कंटेनमेंट विस्तार में रहता एक शिक्षिका ने नौकरी माथी बरतरफ एटला माटे करवामां आव्या के ते कंटेनमेंट विस्तार में रही रहा था। आ अंगेनो एक वीडियो वायरल करी शिक्षिकाए पोतानी व्यथा ठालवी छे। मेरा प्रणाम, मेरा नाम साइमा इरम कुरेशी है। प्रोफेशन से मैं एक टीचर हूँ। राजमाधव विद्या विहार स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ। 11th 12th को इकोनॉमिक्स और बीए पढ़ाती हूँ इंग्लिश मीडियम में। 8 तारीख को हमारे प्रिंसिपल का मैसेज आया कि सारी टीचर्स को 9 तारीख से स्कूल आना है। मेरा एरिया जो कि सुंदरम नगर है, वो कंटेनमेंट जोन में चल रहा है। तो मैंने 8 तारीख को प्रिंसिपल को फ़ोन करके कहा कि सर मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, मैं 9 को नहीं पर 10 से आ जाऊंगी। तो प्रिंसिपल ने कहा ठीक है, आप 10 को आ जाइएगा। फिर सुबह में मुझे 9 तारीख को सर का फ़ोन आता है और सर ने मुझे कहा कि हमने डिसाइड करा है कि आप कहीं और जॉब देख लीजिए, आपको जॉब से निकाल दिया गया है। तो इतने शॉर्ट नोटिस पे मुझे ये जानना है कि ऐसे कैसे कोई किसी को निकाल सकता है। मैंने जो सर से डिमांड करा था सिर्फ यही था कि मेरा एरिया जो कंटेनमेंट जोन में चल रहा है, यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है। इन केस यहाँ से वहाँ स्प्रेड होकर ये डिजीज़ होती है, ये बीमारी होती है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप मुझे लेटर पैड पे मेंशन कर दीजिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबल या उसकी जिम्मेदार में नहीं होंगी, स्कूल होगा। तो नेक्स्ट डे मुझे बोलते हैं कि नहीं, हम ऐसा कुछ मेंशन करके नहीं देंगे, कोई टीचर ये डिमांड नहीं कर रहा, तो आप एक काम कीजिए, आप मत आइए, आप नई जॉब देख लीजिए। तो आ प्रकार वीडियो वायरल थता हवे सवालो उठी रहा है कि शाखा ने शाला द्वारा पगल लेवायु। वधु माहिती आपवा अमारा संवाददाता संजय टांक अमारी साथे जोड़ाई गया छे। संजय, शुं आ प्रकार वीडियो वायरल कराया बाद शाला द्वारा कोई जवाब के कोई प्रतिक्रिया आपवामां आवी छे? बिल्कुल झरणा, जे छे प्रकारे स्कूल जे छे वस्त्राल विस्तार नी जे माधव विद्या विहार स्कूल छे के जेमणे जे शिक्षिका ने नौकरी माथी काढ़ी मुक्यानी जे घटना सामे आवी छे अने तेमां जे वीडियो वायरल थयो छे। शिक्षिका खुद कही रही छे के पॉजिटिव विस्तार छे, ते पोते रहे छे ते विस्तार क्वारंटाइन विस्तार छे अने तेना कारणे ते शाळाए नहीं आवी शके। तेम छतां स्कूलना संचालको जे छे के तेओए नौकरी माथी तेमने नौकरी पर नहीं आवानो टेलिफोनिक जाण करी दीधी छे। आ मामलामां स्कूलना ट्रस्टीओ जे छे के तेओ जणावी रह्या छे के पहेलेथी ज स्कूलने जे शिक्षिका छे के तेओ इरेग्युलर छे शाळाए, અને તેની અનેક ફરિયાદો તેમને મળી હતી અને તેના કારણે આખરે લોકડાઉન પહેલા જ તેમને આવતા વર્ષથી નોકરીમાંથી નોકરી પર નહીં આવવાની જાણ કરી દેવાઈ હતી, મૌખિક જાણ કરી હતી તેવું તેઓ જણાવી રહ્યા છે। અને આખરે જે સ્કૂલે નહીં આવતા શિક્ષિકાને નોકરીમાંથી કાઢી મૂક્યાની જે ઘટના સામે આવી છે અને તેને મામલે આ શિક્ષિકાએ વિડીયો વાયરલ કરતા આખે આખો વિવાદ સામે આવે છે। જો કે સ્કૂલના સંચાલકો જે છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક જવાબદારીમાંથી હાથ ખંખેરી દીધા હોય તેવું પોતાની જે વેદના છે તે વિડીયો થકી જણાવવાની કોશિશ કરી છે। તેનું કહેવું છે કે તે કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં રહે છે અને જ્યારે તેને ફરજ પર હાજર થવાનું કહેવામાં આવ્યું ત્યારે તેણે તે કહીને ઇનકાર કર્યો કે તેની આસપાસ ઘણા બધા કોરોનાના પોઝિટિવ કેસ છે, એટલે તે નહીં આવી શકે, પરંતુ બીજી તરફ તેને બરતરફ કરવાનો નિર્ણય જાહેર કરાયો। આવો ફરી સાંભળીએ કે આખરે આ શિક્ષિકાની વ્યથા શું હતી। આપ સભી કો મેરા પ્રણામ, મેરા નામ સાયમા ઇરમ કુરેશી હે, પ્રોફેશન સે મેં એક ટીચર હું। राजमाधव विद्या विहार स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ। 11th 12th को इकोनॉमिक्स और बीए पढ़ाती हूँ इंग्लिश मीडियम में। 8 तारीख को हमारे प्रिंसिपल का मैसेज आया कि सारी टीचर्स को 9 तारीख से स्कूल आना है। मेरा एरिया जो कि सुंदरम नगर है, वो कंटेनमेंट जोन में चल रहा है।
तो मैंने 8 तारीख को प्रिंसिपल को फोन करके कहा कि सर मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, मैं 9 को नहीं पर 10 से आ जाऊंगी। तो प्रिंसिपल ने कहा ठीक है आप 10 को आ जाइएगा। फिर सुबह में मुझे 9 तारीख को सर का फ़ोन आता है और सर ने मुझे कहा कि हमने डिसाइड करा है कि आप कहीं और जॉब देख लीजिए, आपको जॉब से निकाल दिया गया है। तो इतने शॉर्ट नोटिस पे मुझे ये जानना है कि ऐसे कैसे कोई किसी को निकाल सकता है। मैंने जो सर से डिमांड करा था सिर्फ यही था कि मेरा एरिया जो कंटेनमेंट जोन में चल रहा है यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, इन केस यहाँ से वहाँ स्प्रेड होकर ये डिजीज़ होती है, ये बीमारी होती है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप मुझे लेटर पैड पे मेंशन कर दीजिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबल या उसकी जिम्मेदार में नहीं होंगी, स्कूल होगा। तो नेक्स्ट डे मुझे बोलते हैं कि नहीं, हम ऐसा कुछ मेंशन करके नहीं देंगे, कोई टीचर ये डिमांड नहीं कर रहा, तो आप एक काम कीजिए, आप मत आइए, आप नई जॉब देख लीजिए। तो आપે સાંભળ્યું કે આ શિક્ષિકા પોતાની જે વ્યથા ઠાલવી રહી છે તેમાંથી જણાવી રહી છે કે પોતે કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં રહે છે, તેની આસપાસ ઘણા બધા પોઝિટિવ કેસ છે અને તેને કારણે તે ઇન્કાર કરી રહ્યા હતા પોતાની કોલેજ જવાનો, કારણ કે તેમનું કહેવું હતું કે જો તે શાળા જશે પર ત્યારે જો તેમના થકી આ જે ડિસીઝ છે તે સ્પ્રેડ થશે તો તેની જવાબદારી કોણ લેશે, પરંતુ તેને લઈને કોઈ સોલ્યુશન તો તેઓને ન આપવામાં આવ્યું, પરંતુ તેઓને બરતરફ કરવાના પગલાં ચોક્કસથી લેવાઈ ગયા। आ अंगे शिक्षिका नु कहेवुं छे के तेओने आ अंगे अगाउ जाण पण नहोती करवामां आवी, समय पण नहोतो आपवामां आव्यो अने शाळा द्वारा डिसिजन लई लेवामां आव्युं छे, त्यारे सवाल ए छे के शाळानी आ प्रकारनी मनमानी केटली योग्य गणी शकाय? शाळा शा कारणे आ प्रकारनुं डिसिजन लई रही छे? शुं सरकार शाळा सामे कोई पगला भरशे? शिक्षिकाए पोतानी जे परिस्थिति वर्णवी हती ते साची छे, अने जो ते शाळाए जाए त्यारे अन्य शिक्षको तेओने जो तेनो चेप लागे तो पछी तेनी पाछळ जवाबदार कोण? कारण के ते कंटेनमेंट जोन माथी आवे छे, तेमनी आसपास घणा कोरोना पॉजिटिव केस छे, त्यारे तेमने डर हतो के जो तेओ अन्य कोई स्थळे जशे तो त्यां अन्य लोको पण संक्रमित थई शके छे तेमनाथी। त्यारे तेओए ज्यारे आ अंगे शाळाए जवानो इनकार कर्यो त्यारे शाळा द्वारा निर्णय लेवायो के तेमने बरतरफ करवामां आव्या छे। शिक्षिका जे सवाल उठावी रही छे ते बिलकुल योग्य छे, त्यारे सवाल ए छे के शुं सरकार આવી શાળાઓ સામે કોઈ પગલા ભરશે? કારણ કે સરકાર દ્વારા ગઈકાલે જે બેદરકારી ધરાવી રહી હતી, હોસ્પિટલ્સ એડમિટ નહોતી કરી રહી, પેશન્ટને વધારે પૈસા લઈ રહી હતી, તેવી હોસ્પિટલ્સ પર તવાય બોલાવવાની ખાતરી તો આપી, પરંતુ શું આવી શાળાઓ પર તવાય બોલાવવાની જરૂર નથી? શાળાઓની મનમાની અવારનવાર સામે આવતી રહે છે, તે પછી ફી મુદ્દે હોય કે પછી રાઇટ ટુ એજ્યુકેશનના મુદ્દે, પરંતુ શાળાઓને પાઠ ભણાવવો ચોક્કસથી જરૂરી બની ગયો છે। नहीं तो बेफाम निर्णय लेती आ खानगी शाळाओ एक पण वार विचार नहीं करे अने लोकोने नौकरीमांथी बरतरफ करी देवामां आवशे। शुं शाळानी फरज नहोती के आ अंगे तेओने कोई अल्टिमेटम आपवामां आवे? शुं शाळानी फरज नहोती के आ शिक्षिका जे परिस्थिति पोतानी रजू करी रही छे तेने समजवानी कोशिश करे? शा कारणे शाळाए आवो कठोर निर्णय लेवानी फरज पड़ी? के पछी शाळा पण ओछा शिक्षको करवा मांगती हती पोतानी शाळामां? एक तरफ लॉकडाउन नो समय छे, बाळको ने हजी सुधी शाळा में एंट्री नथी आपवामां आवी, शाळाओ बेफाम फी उघरावी रही छे तेना पर पण रोक लगावामां आवी छे, त्यारे आपणे हवे आ शिक्षिका साथे ज वातचीत करीने आखी परिस्थिति ने विस्तार थी जाणवानी कोशिश करिए। शिक्षिका साइमा कुरेशी जी अमारी साथे छे। साइमा जी, तमारो वीडियो अमे आपे जोयो जेमां आप जणावी रह्या छो के कंटेनमेंट झोन में आप रहो छो, आपे शाळामां जवानो एटला माटे इनकार कर्यो कारण के आपना कारणे अन्य लोको पण संक्रमित थवानी संभावना रहेली छे। जाणवा मांगीशु के आ पहेलाथी आपने क्यारथी शाळा द्वारा आ फोर्स करवामां आवी रह्यो हतो शाळामां आववा माटे, अने त्યારબાદ આપની સાથે શું શું થયું? देखिए, जब स्टार्टिंग में 8 तारीख को स्कूल से मैसेज आया कि सारी टीचर्स को आना है, ठीक है, तो एरिया जो मेरा कंटेनमेंट जोन में चल रहा है, तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट करी कि सर आप मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, मैं 10 तारीख से आ जाऊंगी। प्रिंसिपल सर से ही बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने उन्हें पूरी सिचुएशन बताई कि सर एरिया इस तरीके से कंटेनमेंट जोन में है, इन केस मैं अगर वहां पर आती हूँ और अगर किसी को ये बीमारी स्प्रेड होती है तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी, स्कूल रिस्पॉन्सिबल होगा, आप ये लेटर पेड पे सिर्फ मेंशन करके दे दीजिए। तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा कि ठीक है आप 10 तारीख को आ जाइएगा। फिर 9:00 को 2:15 वो मुझे फोन करके कहते हैं कि आप अब नई जॉब ढूंढ लीजिए, आप मत आइएगा।
तो मुझे ये जानना है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप, मैंने एक दिन की छुट्टी मांगी आपसे, मैंने एक दिन एक्सटेंड करने का बोला, तो आप इस तरीके से तो जॉब से नहीं निकाल सकते। और आपको खुद को पता है कि पूरा वर्ल्ड इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, मैं अभी ये सिचुएशन में जहाँ स्कूल खुली नहीं, मैं कहाँ जॉब ढूंढूंगी। बिल्कुल साइमा जी, जब आपकी ओर से ये कहा गया कि आप नहीं आ सकती, आपको एक दिन की छुट्टी एक्सटेंड करनी है, उसके बाद प्रिंसिपल की ओर से क्या कहा गया, क्योंकि आपको डायरेक्ट टर्मिनेट कर दिया गया या आपसे कोई बातचीत भी की गई इसके बारे नहीं, में? नहीं, एक डेट को उन्होंने मुझे ग्रांट कर दिया कि ठीक है आप एक दिन का एक्सटेंड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे 2:15 बजे जब फोन आया, एट दैट टाइम उन्होंने मुझे इन्फॉर्म करा कि अब आपको सस्पेंड कर दिया, अब आपको डिटेन कर दिया। अदरवाइज 8 डेट को मेरी बात हुई, उस टाइम पे ऐसा कुछ भी सिचुएशन नहीं थी। आपने फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश की आपके स्कूल में? नहीं, मैंने उसी दिन जब 2:15 बजे प्रिंसिपल से बात हुई, उसी टाइम कुछ देर बाद मैंने मेरे ट्रस्टी को भी फोन किया था, उन्हें भी मैंने पूरी सिचुएशन समझाई कि सर मेरे फादर नहीं है, हम 4 सिस्टर्स हैं, आपको खुद को पता है कि पूरे वर्ल्ड में क्या क्राइसिस चल रहे हैं, आप इस तरीके से जॉब से निकालोगे तो सर ये तो एथिकल नहीं है, आप इन्फॉर्म करें पहले, इस तरीके से अगर आप करोगे तो नॉर्मल इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो उन्होंने बोला कि अभी वैसे भी स्कूल्स वगैरह बंद है, जब चालू होगी तब देखेंगे, और उन्होंने फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। साइमा जी, आपने जब ये वजह बताई आपके प्रिंसिपल को कि आप नहीं आ सकती क्योंकि कंटेनमेंट जोन में आप रहती हैं और आपको एक दिन छुट्टी एक्सटेंशन चाहिए, तो उनकी ओर से तब क्या आंसर दिया गया आपको? उन्होंने यही कहा था कि नहीं आपको आना ही होगा, सारे टीचर्स आ रहे हैं। फिर जब मैंने उन्हें पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करी तो वो मीन्स ही वॉज रेडी, वो जब उनको कोई आपत्ति नहीं थी। अच्छा, फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, इवन आई ऑल्सो डोंट नो कि एकदम से प्रिंसिपल सर ने ऐसे कैसे मतलब इन्फॉर्म कर दिया कि अब आप आइए ही मत। साइमा जी, क्या ऐसा तो नहीं है कि आपसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाली जा रही हो, क्योंकि आप नहीं, बोल रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरे स्कूल से मेरे स्टाफ से सबसे सेटिस्फाइड हूँ, इस तरीके की कोई सिचुएशन नहीं है। आपकी स्टाफ के किसी और शिक्षक से बात हुई, टीचर से बात हुई कि आपने कंटेनमेंट जोन से होने के कारण मना कर दिया है स्कूल आने से एक दिन के लिए, और जैसे कि आपको प्रिंसिपल ने बताया कि और सारे टीचर्स जो हैं वो तो स्कूल आ रहे हैं, आपको क्या दिक्कत वो है? सर ने ही, मतलब मुझे प्रिंसिपल सर ने ही इन्फॉर्म करा था कि सारे टीचर्स नॉर्मली आएंगे ही कल, तो आप भी आ जाइए। हाँ, उस तरीके की मेरी किसी से कुछ बात नहीं हुई, बस ये पता चला कि हाँ उन टीचर्स की नॉर्मली सैलरी आ गई है, अभी तक मुझे वो भी नहीं मिली है। आपको सैलरी भी नहीं दी गई? नहीं, अभी नहीं दी गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साइमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी जो व्यथा है हमें सुनाने के लिए। तो साइमा कुरेशी आई शिक्षिका हता के जो ने तात्कालिक नौकरी माथी बरतरफ करवानो निर्णय ले लेवायो। शिक्षिका नु कहेवु छे कि ज्यारे तेओए पोतानी आ परिस्थिति प्रिंसिपल साथे डिस्कस करी त्यारे प्रिंसिपाले तेओने सांत्वना आपी ने कह्युं कि हा कोई वांधो नथी, आप एक दिवस की रजा लई लो। परंतु त्यारबाद अचानक बीजा दिवसे तेमने फोन आव्यो स्कूल तरफ थी अने ज्यां तेओने कहेवामां आव्युं कि आपने आपने नौकरी माथी बरतरफ करवामां आवी रह्या छे। तेमनुं कहेवुं छे कि तेओनी आर्थिक परिस्थिति पण योग्य नथी, तेओने जरूर छे नौकरीनी, परंतु ते छतां तेमनी सामे आ प्रकारनुं वर्तन करवामां आव्युं छे अने तेओने हवे न्याय जोईए छे। અને સમાચારો, કોરોનાની સારવારમાં આવી છે ઘોર બેદરકારી સામે। અરવલ્લીની મહિલાના મોત અંગે ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે। મોત અંગે મૃતક પરિવારજનોએ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે। તેઓએ કહ્યું છે કે રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો તો જ વેન્ટિલેટર લગાવ્યું, રિપોર્ટ બાકી હોય તો વેન્ટિલેટર નહીં લગાવવામાં આવે તેવું હોસ્પિટલ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે। હોસ્પિટલની આ નીતિથી જ મૃત્યુઆંક વધી રહ્યા છે તેવું કહેવું છે પરિવારજનોનું। રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવવાના 2 કલાકમાં જ આ મહિલાનું મોત થયું ત્યારે પરિવારજનો રોષે ભરાયા। અમદાવાદ સિવિલથી તેને હિંમતનગર ખસેડવામાં આવી હતી। મોડાસાના લીંભોઈના રહેવાસી હતા આ મહિલા, અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કામ કરતા હતા તેઓ। 30 વર્ષીય મહિલા સફાઈ કામદાર હતી અને તેમની સાથે આ પ્રકારનું વર્તન કરવામાં આવ્યું હોવાનું પરિવારજનોનું કહેવું છે। તેમનું કહેવું છે કે રિપોર્ટ કઢાવવામાં આવ્યા હતા અને તે પહેલાં તેઓને વેન્ટિલેટરની જરૂર હતી, પરંતુ હોસ્પિટલ દ્વારા એમ કહીને વેન્ટિલેટરની સુવિધા ન આપવામાં આવી, જેને તેમણે કહેવામાં આવ્યું કે જ્યાં સુધી રિપોર્ટ ન આવે ત્યાં સુધી વેન્ટિલેટર નહીં મળે। પરિવારજનોનું કહેવું છે કે જ્યાં સુધી રિપોર્ટ ન આવે, પરંતુ જો તેને તેમના પરિવારજનને કોઈ તકલીફ હોય અને વેન્ટિલેટરની જરૂર હોય તો શું તેને ન આપી શકાય। આ પ્રકારે અનેક દર્દીઓના મોત થાય છે તેવું પણ પરિવારજનોએ કહ્યું છે।